देखिए, दुनिया क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की तरफ लगातार बढ़ रही है और इस परिवर्तन की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब दिखने लगा है। कई सैकड़ों एकड़ जंगल आग या भेद चढ़ गए हैं तो कहीं जमीन पानी को तरसने लगी है। कहीं जंगलों में धधकती आग, कहीं उड़ता धुएं का गुबार, तो कहीं पानी को तरसती जमीन। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीर चेतावनी है। चेतावनी कुदरत की, चेतावनी इंसान के लिए, चेतावनी अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। जंगलों में लगी आग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम कर रही है तो सूखती जमीन इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे असर का सबूत पेश कर रही है। रूस के जंगलों में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए पानी भरकर आग पर फेंका जा रहा है ताकि जहां इंसान खुद नहीं पहुंच सकता वहां होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इस आग की वजह से फैले धुएं ने साइबेरिया के 1000 के करीब गांवों को खुद में समा लिया है। उलान उदे और क्रासियोयार शहरों के आसमान में भी धुएं की चादर छा गई है। हवा में इस कदर धुआं मौजूद है कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई दिनों से लगी इस आग में एक तरफ 10% नेचर रिजर्व को नुकसान पहुंचा है तो दूसरी तरफ 150 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग की चपेट में है। ये हाल तब है जब पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से रूस में तापमान में बढ़त देखने को मिली है। कैलिफोर्निया भी इन दिनों इतिहास की सबसे भयानक आग का सामना कर रहा है। इस आग को डिक्सी का नाम दिया गया है क्योंकि तबाही की आग की शुरुआत सबसे पहले डिक्सी सड़क से हुई थी। इस आग ने उत्तरी सीरा नेवाडा में 14,000 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है तो वहीं ग्रीनविल में 900 मकानों को नुकसान पहुंचा है। करीब 1,950 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस आग को बुझाने के लिए 6,000 फायर फाइटर्स की मदद ली जा रही है। उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग ने तो 42 जिंदगियों को ही लील लिया। मरने वालों में 25 जवान शामिल हैं जो आग से घिरे लोगों को बचाने के लिए निकले थे। पहाड़ों के बीच कबायली इलाकों में लगी इस भयानक आग ने कई घरों को खाक कर दिया है। ना तो इंसान बचा है और ना ही इंसान की बनाई चीजें। हाल इतने बेहाल है कि लोगों को बचाने और आग पर काबू पाने के लिए सेना को तैयार करना पड़ा। ये आग कहीं ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है तो कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को न्योता दे रही है जो धरती को भी उतनी तेजी से गर्म कर रही है, जिसका नतीजा तेजी से पिघलते ग्लेशियर। ये सारे हालात जल संकट और पर्यावरण संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे।